हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जुड़ चुके हैं। तेजस्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मुहिम में भाग लेने का। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हमने कई बार कुछ तस्वीरें देखी जब आप डिप्टी सीएम बने, उसके बाद आपने औचक निरीक्षण किया, लेकिन मूलभूत रूप से तकनीक का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य में परिवर्तन, ये कैसे होगा और ख़ास तौर से बिहार जैसे राज्य में? बहुत बहुत शुक्रिया साकेत जी, आपने अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया और इस मुहिम का पार्ट बनाया, इसके लिए आपको और NDTV के सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और औचक निरीक्षण के बारे में आपने जिक्र किया, जो अभी नई सरकार बनी है महागठबंधन की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हम लोगों की लड़ाई पहले से थी कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। और अस्पताल जो है वहाँ लोग जब जाते हैं तो स्वस्थ होने के लिए जाते हैं, अपने डिजीज़ को दूर करने के लिए जाते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई अस्पताल जाए तो साफ सफाई जो है, हाइजीन की व्यवस्था, हाइजीनिक होनी चाहिए पहली बात, दवा उपलब्ध होने चाहिए जो सरकार मुफ्त में हमारी सरकार देती है, साथ ही साथ इलाज होना चाहिए, डॉक्टर जो हैं वो वहाँ मौजूद होने चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, एम्बुलेंस हो या और भी जो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, चाहे जो भी हेल्थ से रिलेटेड जितने इक्विपमेंट हैं वो उपलब्ध होने चाहिए, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं हेल्थ को लेकर के, ये लोगों को पहुँचे, लोगों को मिले। और आप जानते हैं कि बिहार जो पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, हम लोगों के कम रिसोर्स होते हुए भी, आप लोगों को हम इतना बताना चाहते हैं, अभी हम 2 महीने भी नहीं हुए हैं उप मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन हमने सभी अधिकारियों को हमने बुलाया था, जितने भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं या जितने भी आपके जो सिविल सर्जन हैं, पूरे स्टेट से लेकर के हेल्थ सोसाइटी के लोगों को बुलाया, उनको एक टारगेट दिया गया है कि लोगों को बेसिक जो नीड है वो कम से कम उपलब्ध होनी चाहिए। तो 60 डेज़ का हमने जो है टारगेट दिया है, जिसमें कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। गांव देहात में, रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाके में अगर आप जाते हैं तो वो व्यवस्था नहीं मिल पाती है। आप जिले से जो है कैपिटल भेज दिया जाता है, पटना रेफर कर दिया जाता है, तो एक रेफर पॉलिसी के साथ हम लोग जो है आ रहे हैं, ताकि जो पटना में जो लोड है वो कम हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब डिस्ट्रिक्ट का जितने भी लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट में ही रुक जाए। और एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, आपका सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने दवा जो है लगभग 200 कुछ दवाइयों की लिस्ट है जो लोगों को राज्य सरकार उपलब्ध कराती है मुफ्त में, उसमें जो है बढ़ोतरी हम चाहते हैं कि करें, नेशनल एवरेज के बराबर हम लोग आएँ, इस काम में हम लोग जो है लगे हुए हैं। और जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं गांव के इलाके में मौजूद नहीं होते हैं। अब हम आपको बता दें एकदम भाई, डॉक्टर को हम लोग जो है भगवान का रूप देते हैं, अगर ग्रामीण इलाके से लोग नहीं जाना चाहते हैं वहाँ और प्राइवेट प्रैक्टिसेस करते हैं। अभी हमारी सरकार ने, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे पास फाइल आते हैं, एक डॉक्टर जो है 12 साल से एब्सेंट है, पैसे उठा रहा है, फाइल अभी आता है, 5 साल से कोई एब्सेंट है, कोई 2 साल से एब्सेंट है। तो एक बड़ी कार्रवाई हमारी सरकार ने करने का काम किया है कि डॉक्टर्स जो हैं जो 6 महीने से एब्सेंट हैं, उन सब पर जो है हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। जब पता चला कि जो 6 महीने से अनुपस्थित है, लगभग आप सुनकर के आंकड़ा आप घबरा जाइएगा, लगभग 705 ऐसे जो डॉक्टर हैं जो 6 महीने से ऊपर से अनुपस्थित हैं और सरकार का पैसा वो उठाते जा रहे हैं हर महीने। तो इस पे हम लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस मामले को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो इलाज कैसे होगा। जब हम PMCH पहुँचे थे, आपको पता है वहाँ एक टाटा वार्ड है, जब रात में अचानक से कैजुअली हम जब गए वहाँ तो वहाँ डॉक्टर भी अनुपस्थित पाए गए। तो उन सब लोगों पे जो है कार्रवाई की गई है। हमारी कोशिश है कि जो दवाइयाँ जो हैं वो लोगों को उपलब्ध हों, लेकिन ओरिजिनल दवाइयाँ उपलब्ध हो,
मार्केट में नकली दवाइयाँ, एक्सपायरी दवाइयाँ वो घुमा करके ला दिया जाता है। तो अभी हमारी सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि भाई दवाई जितनी होंगी उसको कम से कम, मान लो एक्सपायर अगर हो जाता है तो उसको हम नष्ट कर दें ताकि वो दोबारा मार्केट में ना जाए। अभी जो है किसी को दे दिया जाता है, वो ले जाता है या दोबारा मार्केट में लाता है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। तो दवाइयाँ लोगों को जो है ओरिजिनल मिले, एक्सपायरी दवा ना मिले, नकली दवा ना मिले, इस पे भी जितने भी हमारी जो कार्रवाई है वो चल रही है। और हमको लगता है कि कुछ दिन 60 दिन का टारगेट दिया गया है और हमारी सरकार बकायदा परफॉर्मेंस बेस्ड पे सारी कार्रवाई करेगी। जो परफॉर्मेंस करेगा उसको जो है नवाजा जाएगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा उस पे जो है कार्रवाई की जाएगी। और 60 दिन का ये ड्यूटी जो है, एक हम लोगों ने रोड मैप जो है वो तैयार हम लोगों ने किया है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं। बच्चन साहब आपसे पूछना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी, प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ मैं। मान्यवर, ऐसा है कि अभी आपने बताया कि कई जो प्रणाम मान्यवर, अभी आपने बताया कि कई डॉक्टर जिनको ग्रामीण स्थानों पे लगा दिया जाता है वो अनुपस्थिति के वजह अपना घर पे बैठ जाते हैं और पहुँचते नहीं हैं। एक तो ये विषय है। दूसरा विषय ये है कि ग्रामीण के जो लोग होते हैं वो आम तौर पर जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं या मेडिकल फ्रेटर्निटी से जो आते हैं उन पे उनका विश्वास हटता चला जा रहा है। वो कहते हैं हम लोग अपना खुद ही इलाज कर लेंगे। कई बार वो डर जाते हैं कि जो शहर से आया है न जाने कौन सी दवाई देगा और हम और भी बीमार हो जाएंगे। अब आपने अभी बताया कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं उनकी वहाँ पोस्टिंग होती है वो गायब हो जाते हैं, तो ये विश्वास उन ग्रामीण लोगों में और भी बढ़ेगा कि लोग आते तो हैं लेकिन इलाज तो करते नहीं हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा आपसे कि ग्रामीण जो लोग हैं, आपको पता है जब ज़िले में इलाज नहीं होता है, ब्लॉक में इलाज नहीं होता है, तो वो पटना आते हैं। आप समझिए कि जो कटिहार जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो लगभग बंगाल बॉर्डर है, अगर इलाज नहीं होता वो रात में चल करके एम्बुलेंस करके जो है वो पटना आता है। यानी वो इच्छुक है इलाज कराने को। उनके बिहार के लोग बड़े जागरूक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको कोई घबराहट नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की उपस्थिति जो है वो होनी चाहिए। और हमको लगता है कि इस दिशा में हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। कई बार अमिताभ जी होता ये है कि हमारे विभाग में इतने डॉक्टर नहीं होते हैं, नर्सेज नहीं होते, ANM नहीं होते हैं, JNM नहीं होता, टेक्नीशियंस नहीं होते, वेंटिलेशन मशीन है लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है। तो हमारी ये चुनाव में भी जब 2020 में जब चुनाव हम लड़ रहे थे तो इस बात को हम लोगों ने लेकर के चला था कि भाई बेरोज़गारी जो है हम लोग जो है हटाने का काम करेंगे। अगर स्वास्थ्य विभाग में नर्सेस की बहाली अगर हम करेंगे, ANM JNM की बहाली करेंगे, लैब टेक्नीशियंस की बहाली करेंगे, डॉक्टरों की बहाली करेंगे, तो बाकायदा जो डिपार्टमेंट पे जो लोड है वो कम हो जाएगा। तो हम आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है 160,000 नौकरियां जो हैं, हम लोग है सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से हम लोग जो हैं देने का फैसला हम लोगों ने किया है। यानी जो रिक्त पदे हैं उसको हम जो है बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आपने जैसा बताया कि गांव में कोई इलाज, थोड़ा आशंका रहती है इलाज, लोगों में अभाव है जागरूकता की, तो इसको भी रोकने के लिए हम लोग जो है रेफरल SOP जो है वो ला रहे हैं। अब होता क्या है, जो डॉक्टर जो होता है जिला में बैठा हुआ या ब्लॉक लेवल पर बैठा हुआ, वो इलाज नहीं करता, सीधे रेफर लिख देता है, रेफर टू पटना, और बेचारे गरीब जो हैं उनको पटना आना पड़ता है क्योंकि वहाँ उस हिसाब की व्यवस्था नहीं हो पाती, उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस हिसाब का केयर नहीं है। तो सारी चीज़ें जो बेसिक उपलब्धता की जो मैंने बात की पहले कि दवाई, सफाई, एम्बुलेंस की व्यवस्था और ये डॉक्टर जो हैं वो उपलब्ध रहें, इसलिए हम लोग एक रेफरल SOP लेकर के आ रहे हैं ताकि
जो पटना पे भी लोड है, मान लीजिए पटना में भी पूरे जिला के लोग आ जाएंगे, तो पटना में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम जो सब लोगों की इलाज कर पाए। लेकिन इसीलिए हम लोग हर दिशा में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम आपको बता देना चाहते हैं, हर जिलेवार उन्होंने हम सब लोगों ने बैठ के निर्णय लिया कि हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज हम लोग खोलने जा रहे हैं। तो आप समझिए कि अगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल साथ में खुलेगा। Sorry to interrupt. Just wanted some clarification on something Amitabh Bachchan has been talking about, and you also just mentioned. As you know, yeah. We travel deep into villages for the last 25, 30 years regularly, and we've seen you there in the middle of campaigning, etc. But what we also check out the health facilities. And many villages have beautiful little buildings which are clinics or small hospitals. And we say, wow, that's fantastic. And we tell the villagers and they laugh at us. They say, we never go there. There's nobody there. And we say, show us. They take us into these nice little buildings. It is dilapidated inside, no doctors, no functioning. And this has been going on for 20 years. It's a crucial problem. I think Amitabh Bachchan mentioned it. How do you get doctors to stay in villages? I mean, you do have to compensate them higher than staying in Patna. How will you solve this problem? Clinics are underutilized. Pranodji, whatever you had mentioned about, that's a worrying part. And that's why our government has been working on that field. And we're going to ensure every doctor, like you can say that what action we have taken, like 705 doctors were absent since 10 years, 12 years, 5 years, 4 years, and they have been taking money from the government. Right. That's what, when I used to get a file, I was like, he's absent since 12 years, and now the file is coming to me. Why not immediately? Right. That's why I took this decision. That why not, whoever is absent more than 6 months, we will take strict action. We will not compromise on it. But there is many more things also, that workload is too much. Because Bihar population, density of population is too high. So we have to distribute their duties also, work also. That's why I've talked about the vacancies. That's what we are going to do. We are going to fulfill the vacancies. And 1,60,000, you can imagine it's a huge number if these people are going to come into it, into the field. So there will be a drastic change. At least villagers should get the treatment within their block level. That's why we are coming with the referral SOP. And that's what I have given target for, like 60 days. Whoever is going to work, they're going to get appreciation. If not, they're going to get puri tarike se karwai ki jayegi. We're going to take a strict action. We will not compromise on this issue. And this was my fight in 2020 also in the election. अब बताइए, अब शिक्षा विभाग में शिक्षक नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं होगा, तो क्या मतलब है उस बिल्डिंग का? और हम लोग जो अभी जो व्हाटएवर, प्रणव जी, आई नीड टू ऐड वन मोर थिंग, व्हाटएवर मेडिकल कॉलेज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वी गोना ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, उससे पहले ही हम पद क्रिएट कर रहे हैं, पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ताकि बिल्डिंग ना रह जाए, बिल्डिंग में लोग रहे। बिल्कुल। और यही आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन इन फ्यू कैबिनेट मीटिंग्स, इन पास्ट फ्यू कैबिनेट मीटिंग्स, वी आर फुलफिलिंग इट, वी आर क्रिएटिंग द पोस्ट। रिसेंटली वी क्रिएटेड ऑलमोस्ट अराउंड 8000 पोस्ट। ये देखिए, ये सारे वादे पहले भी हुए थे, लेकिन उनमें से कितने पूरे होंगे? मेरे ख्याल से अगले कार्यक्रम में जब हम आपको आमंत्रित करेंगे, तो एक रिपोर्ट कार्ड आप प्रस्तुत करने की स्थिति में रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।